बहुत सारी माताएं और बहनें भी हैं यहाँ पे, बताइए डीटीसी बस में कौन कौन सफर करता है? करते हैं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर किते ने, चाहे वह लॉ अफसर होन, चाहे वह फोरेंसिक दे होन, चाहे होर जांच दे अधिकारी होन, ते अपनी होंगे ना दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम, शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। सब लोग करते हैं, बताओ जी टिकट कितने का लगता है? कितने का लगता है? जीरो, बिल्कुल जी फ्री। एसी बस में जाते हो तब भी फ्री होता है? होता है। गुड़गांव का नाम सुना है किसी ने? कहाँ पे है गुड़गांव? हरियाणा में। गुड़गांव में एसी बस में एक तरफ का किराया आपको पता है कितना लगता है? 50 रुपए किराया लगता है। एक तरफ का किराया 50 रुपए लगता है। और दिल्ली में एसी बस में महिलाएं कितना किराया देती हैं? तो जीरो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? या बीजेपी की राज्य की तरह महंगा होना चाहिए? बता दी, जीरो होना चाहिए, 50 रुपए होना चाहिए? सबको लगता है जीरो? किस किस को लगता है महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री होनी चाहिए? सबको लगता है? तो फ्री रखे ना। ये लोग बीजेपी वाले कहते हैं केजरीवाल रेवड़ी बांटता है, तो बताओ जी केजरीवाल को रेवड़ी बांटनी चाहिए कि नहीं बांटनी चाहिए? बिजली के बिल फ्री होने की रेवड़ी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पानी का बिल माफ होने की रेवड़ी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? किस किस को लगता है मिलनी चाहिए? सबको लगता है? मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज की रेवड़ी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? किस किस को लगता है मिलनी चाहिए? जरा हाथ खड़ा करके दिखा दो। सबको लगता है? हाँ जी बताओ जी। हाँ जी वो कह रही है सब्जी भी महंगी है, केजरीवाल जी को कहो वो भी फ्री कर दें। अभी देखो ये है केजरीवाल पर भरोसा कि लोगों को लगता है कि हमारी कोई भी समस्या है तो एक ही आदमी उसका समाधान करेगा। उस आदमी का नाम है अरविंद केजरीवाल। क्या नाम है उस आदमी का? अच्छा जी एक और बात बता दो, अभी अरविंद केजरीवाल जी बस पहुंचने ही वाले हैं। 10 साल पहले सरकारी स्कूलों का कैसा हाल होता था ये बता दो? कैसा बुरा, कैसा हाल होता था? कैसा होता था? बहुत बुरा हाल होता था। क्या कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं? यहाँ पे बहन जी कह रही है बच्चे भाग जाते थे क्लास से, ऐसा ही होता था क्या? हाँ जी नहीं होती थी पढ़ाई? बताइए 3 टप्पर में चलते थे कि नहीं चलते थे सरकारी स्कूल? बरसात में छत से पानी टपकता था और सर्दी में टूटी हुई खिड़की से ठंडी हवा आती थी, ऐसे ही होते थे ना सरकारी स्कूल? टेंट वाला स्कूल कहते थे, ये टेंट वाले स्कूल में पढ़ते हैं हमारे बच्चे, यही कहते थे ना? दरी पे बैठते थे बच्चे, बैठने के लिए टेबल कुर्सी नहीं होता था, पीने के लिए पानी नहीं होता था, साफ टॉयलेट नहीं होते थे, क्लासरूम में टीचर नहीं होते थे, ऐसे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? कोई भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहता था, उन्हें लगता था सरकारी स्कूल में पढ़ेगा हमारा बच्चा तो उसका क्या भविष्य होगा। लेकिन पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया, शानदार सरकारी स्कूल बना दिए।
आज आई कह रही हैं कि पहले टॉयलेट भी बहुत गंदे होते थे। बिल्कुल सही बात है जी।